जो भी आदमी दिल्ली में है वो अपने आप को दिल्ली का माने, दिल्ली आपका घर है, दिल्ली आपका शहर है, यहीं रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही चीजें सामान्य होंगी, और थोड़ी थोड़ी हुई भी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग थे जो कामकाज ना होने की वजह से या कामकाज बंद होने की वजह से अपने अपने गांव लौटना चाहते थे। उनकी खेती है या उनका परिवार है, परिवार के और लोग हैं, वैसे लोगों के लिए। और हम सब ने देखा कि किस तरह से लोग सड़कों पर पैदल चले, किस तरह से लोग बसों में ट्रकों में जाने की कोशिश करते रहे। फिर बाद में भारत सरकार ने जब ट्रेन चलानी शुरू की तो दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने इसको प्रोएक्टिवली एक्सेप्ट किया। मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि 7 मई से लेकर और कल शाम तक दिल्ली सरकार की ओर से 2,41,000 लोगों को ट्रेन से उनके गांवों में भेजा जा चुका है, उनके गृह जनपद में भेजा जा चुका है जहां से वो जाना चाहते हैं। 196 ट्रेन पूरे देश के अलग अलग राज्यों के लिए भेजी गई हैं, जिसमें से 2,40,000 में सबसे बड़ी संख्या बिहार के लोगों की है जो बिहार के अलग अलग जिलों में गए हैं। 1,25,711 लोग बिहार के अलग अलग जिलों में गए हैं। उत्तर प्रदेश में 96,610 लोग गए हैं। झारखंड के लिए करीब 3,000 से ज्यादा लोग हैं। वेस्ट बंगाल के लिए 3,800 लोग हैं। मध्य प्रदेश के लिए 2100 के करीब लोग हैं। अन्य राज्यों के लिए भी हैं, कहीं 500 रहे, कहीं 400 रहे। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो करीब कुल मिला के 18 ट्रेन 11 बिहार के लिए, 6 उत्तर प्रदेश के लिए और एक अन्य ट्रेन दूसरे राज्यों के लिए जा रही है। 18 ट्रेन आज भी करीब 30,000 लोगों को लेके अलग अलग राज्यों में जाएगी। तो ये एक फैसिलिटी है जो दिल्ली सरकार की ओर से इसलिए संभव होता है क्योंकि भारत सरकार ने ट्रेन उपलब्ध कराई है। अधिकतर मामलों में जहां दूसरे राज्य, जिन राज्यों में ट्रेन जानी है, वहां के राज्यों से अगर जरा भी डिस्कम्फर्ट रहता है तो अधिकतर मामलों में दिल्ली सरकार ने ही पेमेंट किया है इन यात्रियों का। किसी भी यात्री से कोई पैसा नहीं लिया गया है। कोशिश है कि आगे भी जितने लोग जाना चाहते हैं अपने घरों की ओर, अपने मूल गांव की ओर, उनको व्यवस्था अभी भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी खुद एक एक राज्य के, एक एक जिले के डेटा पर नजर रखे हुए हैं कि किस राज्य के कितने लोग जाना चाहते हैं, उनकी ट्रेन के लिए उनकी पूरी व्यवस्था हुई कि नहीं हुई। उनके आदेश पर सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से जब भी ट्रेन भेजी जा रही है तो लोगों को घरों के आसपास से लाकर किसी एक स्कूल में लाकर उनकी स्क्रीनिंग कराई जाती है। वहां स्क्रीनिंग कराने के बाद में उनका टेम्परेचर, उनके सिम्टम्स देख के, जो एकदम एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है। उनके खाने के लिए ट्रेन में उनको रेलवे स्टेशन ले जाया जाता है बस में, और फिर उनके खाने के लिए उनको केक वगैरह, उनको ड्राई फ्रूट, उनके लिए केला, उनके लिए पानी की बॉटल, ये सब सुविधाएं भी दी जाती हैं। पका हुआ खाना इसलिए नहीं देते क्योंकि रात भर में, क्योंकि लेट नाइट तक ये डर है, आजकल गर्मी है, कि वो खराब ना हो जाए, लेकिन पूरा खाना भी उस तरह से दिया जाता है। तो कोशिश यही है इस सब की कि कोई भी व्यक्ति जो हम पैदल चलने के दृश्य देख रहे थे वो ना देखने को मिले, किसी को मजबूर होके पैदल ना इतनी लंबे उस पर जाना पड़े। लोग अपने अपने राज्यों के लिए, जहां अपने अपने गांव में जाना चाहते हैं। और खुशी है कि 2,41,000 लोगों को दिल्ली सरकार की ओर से ट्रेन में बिठाकर बाकायदा भेज दिया गया है बहुत सुविधा के साथ। तो ये व्यवस्था की है। इसके अलावा दिल्ली में खाने की व्यवस्था लगातार चल रही है। अभी भी स्कूलों में करीब 2,500 कैंप्स अलग अलग स्कूलों में खाने के लगाए गए हैं, जहां रोजाना करीब करीब 10 लाख लोगों को खाना उपलब्ध कराया जाता है, लंच में, डिनर में। हालांकि अब खाने वालों की संख्या कुछ कम हुई है। इस तरह से 72 लाख लोगों को पीडीएस राशन और करीब 38 लाख लोगों को नॉन पीडीएस राशन ई कूपन के जरिए दिया गया है, ताकि कोई भूखा ना रहे, ताकि कोई गरीब परेशान ना रहे। ये सरकार की कोशिश है और इसमें दिल्ली सरकार पूरी तरह से कमिटेड है। और हर व्यक्ति की जो दिल्ली में रह रहा है, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की तरफ से व्यवस्था की जा रही है।